श्री मिलिंद के देवस्कर महाप्रबंधक पूर्व रेलवे ने लिलुआ कार्यशाला का दौरा किया। पक 13 जून 2024। श्री मिलिंद के देवस्कर महाप्रबंधक पूर्व रेलवे ने 13 जून 2024 को लिलुआ कार्यशाला का दौरा किया। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक ने एयर ब्रेक आप एटीएम एफ डी एम एस न्यू कंपोनेंट शॉप स्प्रिंग शॉप कंप्यूटर इक्विप टीवी और बीएमबीएम सेक्शन ईच पर सेक्शन सी टी आर टी प्रेस सेक्शन एन एच टी का दौरा किया। इस निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक के साथ प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर श्री टी सिंह और पूर्व रेलवे के अन्य प्रमुख अधिकारी मौजूद थे। महाप्रबंधक श्री देवस्कर ने कार्य में 1500 किलोवाट क्षमता के सर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया। इस संयंत्र के चालू होने के याद आमे सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 3.1 मेगावाट तक पहुंच गई और अब कार्य में 2024-25 में कुल 3.838 MU उत्पादन के साथ 49.19% नवीकरणीय ऊर्जा हिस्सेदारी होगी। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक ने वेल्डिंग मशीन की मरम्मत स्थिति के बेहतर पता लगाने के लिए वेल्डिंग मशीन सूचना प्रणाली MIS की भी सराहना की है और भंडारण परीक्षण डेटा के लिए कंप्यूटरीकृत DT टेस्ट बेंच और कंप्यूटर बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम ABS का उद्घाटन किया है। उन्होंने भारतीय रेलवे में NHDME कोचों में हाल ही में शुरू किए गए शौचालय ओपन की सराहना की जिसमें बैक्टीरिया न्यूट्रलाइजर डिस्पेंसर TPPANM DGFRP पैनल का उपयोग एपॉक्सी फ्लोरिन एल्यूमिनियम पॉलीमर कंपोजिट ATC बेसिन आदि शामिल है। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक ने विभिन्न क्षेत्रों में वर्कशॉप को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी है, जैसे NHDME पानी की टंकी में नया स्वरूप, कोचों के लिए 100 दिनों की विके मामलों में कमी से अफगानिस्तान में लक्ष्य हासिल, भारतीय रेलवे में LHD उत्पादन में पहला स्थान, पिछले 3 वर्षों में कार्बन फुटप्रिंट में 1.26 से 0.82 तक की कमी। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक श्री मिलिंद के देशक भारतीय रेलवे में सर्व वर्कशॉप फील्ड और विद्युत मंडल द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आवश्यक को बधाई दी। प्रारंभ में पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक ने के लिए सब पुरस्कार और FDMAMS 10 सेक्शन और स्प्रिंट शॉप के लिए उनके अभिनय योगदान के लिए विशेष पुरस्कारों की घोषणा की।